कुरान जलाने पर भड़के 57 इस्लामिक देशों ने बुलाई इमरजेंसी बैठक, ओमान के मुफ्ती ने किया बॉयकॉट का ऐलान, पूरा मामला जानकर आप भी रह जाएंगे दंग। स्वीडन में इस्लाम धर्म की पवित्र किताब कुरान की कॉपी जलाने पर पूरी दुनिया में हलचल नजर आ रही है। बकरीद के मौके पर मस्जिद के बाहर एक शख्स ने इस घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद से तमाम इस्लामिक देशों समेत यूरोप से अमेरिका तक विरोध के स्वर उठने लगे। अब 57 देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने इस मामले पर इमरजेंसी बैठक की और इंटरनेशनल कम्युनिटी को सख्त संदेश जारी किया। वहीं ओमान के ग्रैंड मुफ्ती ने भी स्वीडन में हुए इस अपराध पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की मीटिंग में कहा गया कि कुरान की प्रति जलाना और पैगंबर मोहम्मद का अपमान करना इस्लामोफोबिया की कोई सामान्य घटनाएं नहीं है, इसलिए हमें पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंटरनेशनल लॉ की बार बार याद दिलानी चाहिए, ताकि धार्मिक नफरत के माहौल को रोका जा सके। वहीं इस मामले में ओमान के ग्रैंड मुफ्ती शेख अहमद बिन हमद अल खलीली ने स्वीडन के सभी प्रोडक्ट का बॉयकॉट करने की अपील की। बोले, स्वीडन में हुई बेहुर्मती के खिलाफ पूरी दुनिया के मुसलमानों को एकजुट होना होगा। ओमान के ग्रैंड मुफ्ती शेख अहमद बिन हमद अल खलीली की इस अपील पर कई लोगों ने साथ दिया है और सहमति जताई है। आइए बताते हैं किसने क्या कहा। लुकमान इलाही नाम के एक बंदे ने ट्विटर पर लिखा, बेशक होना चाहिए, ये जरूरी भी है क्योंकि इस्लाम की बात है। अगर अब भी एक ना हुए तो मुसलमान समझ लो, मुसलमान सिर्फ नाम का मुसलमान है। नरगिस बानो नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, ओमान सल्तनत के ग्रैंड मुफ्ती शेख अहमद बिन हमद अल खलीली ने स्वीडन के सभी प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने की अपील की है। ग्रैंड मुफ्ती साहब ने कहा कि स्वीडन में हुई बेहुर्मती के खिलाफ पूरी दुनिया के मुसलमानों को एकजुट होना होगा। सानिया जहरा नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, हमारे धर्म की पाक किताब कुरान मजीद को जलाया गया और स्वीडन ने इसका खुलकर समर्थन किया। अभी तक एक भी बयान इसके विरोध में नहीं आया। हम मुसलमान हैं, अपने इस्लाम की मदद इस तरह कर सकते हैं कि स्वीडन से इंपोर्ट होने वाली चीजों को बॉयकॉट कर दे। अरशद नाम के एक बंदे ने स्वीडन में हुई इस घटना पर कहा, इस्लामिक इंस्टीट्यूट अल अजहर ने दुनिया के सभी मुसलमानों से अपील की है, स्वीडन के सामान को बॉयकॉट करें। कुरान की बेहुर्मती के बाद स्वीडन की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है और धोनी भी चाहिए। जो देश आलम इस्लाम की किताब कुरान की बेहुर्मती करेगा, उसे सबक सिखाना जरूरी है। आपको बता दें, वहीं अमेरिका विदेश मंत्रालय ने भी इस घटना को लेकर बयान जारी किया है। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि धार्मिक ग्रंथों को जलाना अच्छा नहीं है और ऐसी घटनाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता। आपकी क्या राय है कॉमेंट करके जरूर बताए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके।